जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे डेली टेस्ट सीरीज, जो सर के द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा निकाला जाता है और ये जो है पेड कोर्सेस में कराया जाता है। अगर आप लोग ये सेम क्लासेस आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के एप्लीकेशन पर करने जाइएगा तो आप लोगों को रुपये पे करने पड़ेंगे, मगर हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कराए जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग कवर किया जाए। देखिए, ये टेस्ट जो है 20 दिसंबर से स्टार्ट किया गया है, ये टेस्ट सीरीज 20 दिसंबर से स्टार्ट किया गया है और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए रहते हैं एक सेट में। और ये आज का हम लोग का है टेस्ट नंबर पहला नंबर टेस्ट है। इसको आइए आज के क्लास से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और ऐसे डेली ही कर करके हम लोग टेस्ट सीरीज को आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है ना सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है हमारे भाइयों, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज सर के द्वारा स्पेशली बोला गया है कि बीएससीसी और बिहार पुलिस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और अभी आने वाले बिहार दरोगा के मेन्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये सब क्लासेज। तो आप लोग क्लास को एक भी मिस मत करिएगा और ऐसे क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, एक भी क्लास को मत मिस करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन जीव परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन जीव परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि विश्व टाइगर दिवस आप लोग का यानी बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो क्या बताइएगा? याद रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो देखिए, रानीगंज कोयला खान जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है यह अपभू होती है। अपभू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? तो देखिए, नेपोलियन जो था वह फ्रांस का 1804 ईस्वी में सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की? तो देखिए, विश्व बैंक और फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का जो है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन ने स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ब्रेडन वुड्स जो था वह ब्रेडन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा कि ब्रेडन वुड्स सम्मेलन जो है यह 1944 में आप लोग का हुआ था, इसको याद रखिएगा, डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में सालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है? तो देखिए, चोल साम्राज्य में सालाभोग जो है यह किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था चोल के साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन है, करा है सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, एक साइड राज्य का नाम दिया गया है सूची वन में, सूची टू में संस्थापक का नाम दिया गया है। आइए इसको मैच किया जाए। अवध का हो जाएगा आप लोग का सादत खां, संस्थापक कौन थे अवध राज्य के? तो सादत खां थे। बंगाल के मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। फिर कर्नाटक का सात तुल्ला खां हो जाएगा। फिर हैदराबाद का आप लोग का चीन किलिच खां हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2413। 2413 देखिए किस कूट में दिया गया है, 2413 देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, 2413 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, स्वाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वैद्यशाला का निर्माण नहीं कराया गया था?
तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में नहीं कराया गया था और बाकी सभी जगहों पर कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए किसका जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, सर्वाधिक प्रतिशत किसका है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और कितना है ये पूछ दे तो याद रखिएगा कि 46.60% है। कितना है? 46.60% जो है पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन का है। कितना है? तो 46.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य है? तो देखिए विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य जो है वो डेविस जल डमरू मध्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध कला में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो सर्वोच्च पुरस्कार आप लोग का परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र। युद्ध कला में वीरता के लिए परमवीर चक्र सबसे पहले आता है, सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वह संविधान संशोधन से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश से प्रतीक थे? तो किससे प्रतीक थे? सही आंसर हो जाएगा प्रशासन से प्रतीक थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन से प्रतीक थे, प्रशासन के प्रतीक थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट जो है यह स्थल शामिल है, तप्त स्थल में पश्चिमी घाट जो है यह शामिल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा वार्थो लेमुडियाज ने की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताइए। तो देखिए एक साइड पार्टी का नाम दिया गया है, एक साइड उसका स्थापना वर्ष दिया गया है और इसको मैच करना है। तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह 1923 में किया गया था, यहाँ पर लिख दीजिए एक नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में किया गया था, सामने ही है, ठीक है, दो नंबर। फिर गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था, तीन नंबर हो जाएगा यहाँ पर। फिर नौजवान पार्टी की स्थापना जो है 1926 में किया गया था। तो राइट आंसर हो गया आप लोग का 3241। आइए देखिए किस कूट में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 3241 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध को देखिए दो भागों में बट गया था, पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। देखिए मित्र राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो ब्रिटेन देश ने किया था और धुरी राष्ट्र का यहाँ पर पूछ रहा है, तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है वह जर्मनी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जर्मनी। अच्छा इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और अंत कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। कब? 11 नवंबर 1918 को इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? सही आंसर हो जाएगा देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती संत का दरगाह है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो देखिए बिहार से उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत किसकी पुरस्कार राशि दी जाती है, कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट मोरेस्सबी किस देश की राजधानी है? तो देखिए, पोर्ट मोरेस्सबी जो है यह पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? तो शांति निकेतन का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था सर्वोच्चता की एक नई नीति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? तो ये किसका मानना था? सही आंसर हो जाएगा कर्नल रीड का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय जो है, देखिए अगर प्रथम पूछते तो सबसे पहले तो जो है कोलकाता था, ठीक है, मगर बाद में मुंबई कर दिया गया था और अभी तक मुंबई में ही है। तो अगर पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, और सबसे पहले पूछते हैं तो याद रखिएगा कि कोलकाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेनानायक था? सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शुंग वंश का संस्थापक मौर्य वंश का सेनानायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24° 20' 10" से 27° 31' 15" उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए हमारे भाइयों। और तुरंत हम आप लोगों का बिहार दरोगा का भी पेड कोर्सेस स्टार्ट करने वाले हैं जो मेंस के लिए होगा। तो जो भी बच्चे प्री निकाल चुके हैं तो मेंस का भी जो भी पेड कोर्सेस है हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कराएंगे, उसके लिए चैनल से जुड़ जाइएगा बस। 34 नंबर क्वेश्चन है, संसद के अस्त्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है देखिए अक्टूबर 1951 से लेकर के 1952 तक हुआ। तो यहाँ पर देखिए 1951 नहीं है तो 1952 है, 1952 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें गलत कथन को चिन्हित करें। तो देखिए, गलत कथन को चिन्हित करना है, विधान सभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो। तो हाँ, इससे भंग की जा सकती है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तो इससे भी की जा सकती है। वह दिवालिया हो या तो इससे भी भंग की जा सकती है, यानी कि भाग जाए तो भंग किया ही जा सकता है। उसकी आयु 30 वर्ष हो, तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी की भी आयु 30 वर्ष है तो उससे सदस्यता भंग की जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 25 वर्ष के बाद तो आप लोग का मतलब कि संसद का सदस्य बना ही जाता है, ठीक है, विधानसभा के सदस्य जो है 25 वर्ष के बाद ही बना जाता है, तो 30 वर्ष से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो 60 साल तक भी रह सकता है, तो इससे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी आयु 30 वर्ष की हो इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो देखिए, होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और लोकमान तिलक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है शीत युद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ ही नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें शीत युद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है?
तो देखिए झूम कृषि के लिए जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत एवं चीन किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं सिक्किम एवं चीन? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके मध्य से जुड़े हैं ना, तो हो जाएगा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत और चीन जो है, सिक्किम भारत और चीन ये जो है ये आप लोग का नाथुला दर्रा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, अरावली पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़िया भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो देखिए उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन का आरंभ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादक किस पुस्तक में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दशम ग्रंथ में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो दशम ग्रंथ में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है टॉम्स जेफरसन ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनगंगा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कंचनगंगा सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंग हैं? तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तीनों है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, और कब पास किए थे? तो 1863 ईस्वी में इन्होंने ICS की परीक्षा को पास किया था। और ये जो सत्येंद्रनाथ टैगोर है ना, याद रखिएगा ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई है, सत्येंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, और ये जो थे टोटल भाई 14 भाई थे शायद, हाँ 14 भाई थे, और सबसे छोटे रविंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में सरकार का रूप है? भारत में सरकार का रूप संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है? तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय तप वृद्धि है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। साथियों यहीं पर हम लोग का देखिए सेट नंबर वन आज का खत्म हो चुका है, टोटल इतना ही था। देखिए 4 नंबर पेज टोटल दिया गया था, 4 पेज में दिया गया था टोटल सेट, टोटल आज का हम लोग का पहला नंबर सेट खत्म हो गया। ऐसे ही करके हम लोग डेली एक टेस्ट सीरीज करके सभी आप लोगों को पेड कोर्सेज जो है फ्री में अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे, और हमारे चैनल के माध्यम से अभी करेंट में बिहार SSC का बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है, और एडुटेरिया 5000 प्लस एक बुक है, उसमें बहुत ही अच्छे से करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन है, और पहले से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अपलोडेड हैं कि वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी भी आप लोग वो सब क्लास को मिस मत करिए, एक भी क्लास को मिस मत करिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्लास कराया जाता है आप लोग के लिए आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए वो कराया जाता है। तो अगर आप लोग जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।